हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में क्या प्रोसेस रहेगा। आप लोगों को वीडियो के थ्रू सारा कुछ मालूम होगा। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों की सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहता भी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वेबसाइट की लिंक है आप लोगों को ऊपर दिख रही है, abbvmuup.edu.in। आप इस पर जाकर सारे कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन सारा कुछ मालूम हो जाएगा। तो देखते हैं, आप लोगों को साइट पे दिख रहा है अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स CET 2021। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने ऐसा कुछ खुल के आ जाता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स फोर इयर्स। तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है और इसका जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम CET एग्ज़ाम हो रहा है तो आप सबको अप्लाई करना होगा फॉर्म। तो फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने के पहले आप लोगों को इसका पूरा सब कुछ जान लेना है। तो आप लोगों को मालूम होगा 1 सितंबर को इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था एंड लास्ट डेट जो रहेगी वो 15 अक्टूबर रहेगी एंड लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की वो 18 अक्टूबर रहेगी। एडमिट कार्ड जब आएंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोगों को जल्द ही जल्द इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलती है। हम जहाँ तक होते हैं आप लोगों के लिए राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एग्जामिनेशन डेट 4th week of October, मतलब कि अक्टूबर के 4th week में आएगी एंड या 1st week of November, इतने में आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो डिटेल्स ऑन एडमिट कार्ड, जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आप लोगों का सेंटर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, रिजल्ट कैन बी सीन ऑन वेबसाइट फॉर्म, ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा। 7 डेज आप लोग पहले एग्ज़ाम दे लीजिएगा तो 7 या 10 डेज के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग भी टेंटेटिव है एंड और देखते हैं एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो OBC और जनरल वालों के लिए रहेगी 2000, फॉर SC ST के लिए रहेगी 1200, मतलब कि 1200 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, जैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम लोगों का फिल किया जाएगा, कहीं कहीं होता है वो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, फिल किया जाता है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाई पोस्ट एंड नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड वेबसाइट, इसमें वेबसाइट दी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, तो वेबसाइट देख सकते हैं www.abbvmuup.edu.in। नेक्स्ट, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग का एडमिशन होगा वो प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब हम लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा। और वैसे किसी किसी का ऑफलाइन होता है, वरना अब तो कोविड के थ्रू तो सबका ऑनलाइन होने लगा है। नेक्स्ट, आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान देनी है, एग्जामिनेशन विल बी MCQ बेसिस इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, आप लोग जो लोग हिंदी मीडियम के हैं अगर वो इंग्लिश में समझ लेते हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, वरना अगर नहीं समझ पाते हैं तो ये पेपर जो होगा वो इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में आएगा। तो हिंदी मीडियम वाले अगर इंग्लिश वो समझ लेते हैं अच्छे से तो अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो पेपर आएगा वो इंग्लिश में आएगा। नेक्स्ट, एट द एडमिशंस, ये मतलब कोई बात नहीं है एंड ईमेल आईडी में आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, जो आप लोग ईमेल आईडी डालेंगे उसी में एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, काउंसलिंग डिटेल्स सारा कुछ वही ईमेल आईडी, आप लोग ईमेल आईडी वही डालिए जो आप लोगों की कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट जो रहेगा, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप किसी के थ्रू नेट बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, हाई स्कूल मार्क्स परसेंटेज ऑफ आर सब्जेक्ट, कि हाई स्कूल मांगा जाएगा आप लोगों का एंड इंटरमीडिएट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नॉट मैथ, मैथ वाले लोग नहीं अवेलेबल हैं इसके लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी,
पासपोर्ट साइज मांगी गई है कि 20 से 200 KB के साइज होना चाहिए पासपोर्ट साइज, मतलब कि फ़ोटो जो फ़ोटो हो आप लोगों की इतनी साइज़ की। आप लोग जब कैफे में करवाएंगे तो आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा जो फ़ोटो फोटो मांगी गई है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अब फ्रेंड्स, इतना ही है इस वीडियो में और कुछ नहीं है, जो आप लोगों को जानना था वो हमने बता दिया है। एंड आप जाके इस वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट हमने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ आप लोगों का कुछ अगर डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसी लगी हमारी जानकारी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।